हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की तारीख है 1 मार्च 2022 और आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी भाइयों को, बहनों को, अंकल को, आंटी को, जो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप पे खूब कृपा बरसाए रखें। और आज जब इतना बड़ा दिन है तो आप लोगों को भी एक अच्छी सी खबर सुनानी बनती है भाई। तो वो ये है कि बहुत दिन से चल रहा था, जो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है, नहीं करते तो आपकी स्क्रीन पे आईडी आ रही है, यहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। बहुत दिन से चल रहा था भाई यज्ञ। भाई मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि एक कार ले रहे हैं हम, नई कार ले रहे हैं। तो बहुत दिन से चल रहा था कौन सी ले रहे हो, कोई कह रहा था ये ले रहे हो, कोई कह रहा था वो ले रहे हो। तो मैंने लोगों को एक हिंट दे दिया था कि भाई टोयोटा, महिंद्रा या टाटा, इन तीन कंपनी के ले रहे हैं, मारुति के लिए नहीं जा रहे बिल्कुल भी। तो भाई अभी आज जैसे कि इतना बड़ा दिन है महाशिवरात्रि का, तो आज हम जा रहे हैं अपनी कार बुक कराने के लिए। तो कार बुक कराने जा रहे हो यज्ञ भाई? तो भाई बहुत, मतलब मैं आज इतना खुश हूं, मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं अपनी न्यू कार बुक कराने जा रहा हूं। तो अभी तो फिलहाल गाड़ी में तेल नहीं है, तो इसको मैं तेल भरवाते हैं। और बुकिंग अमाउंट जितना भी है वो है शायद 21,000 या 25,000 है, मेरे को पता नहीं है भाई कि कितना बुकिंग अमाउंट है। तो मैं वो भाई एटीएम से कैश भी निकलवा लूँगा। अभी देखो आप देख कार्ड भी सकते हो, वहाँ पे वो स्वाइप कर देंगे, हो जाएगी बुकिंग। आप अपने गूगल पे भी कर सकते हो, आपने डिजिट डाली जितने भी अमाउंट है हो जाएगी बुकिंग। लेकिन जो मज़ा कैश में डील करने में है ना, वो इनमें डील करने में नहीं है भाई। तो अभी तो ये सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिख रहा होगा आपको, यहाँ से भरवाते हैं अपनी गाड़ी में तेल। और यहीं पे एसबीआई का एटीएम भी है, उस एटीएम से निकलवाते हैं कैश। उसके बाद अपने चूहे को पिक करेंगे, चूहे को पिक करके चलते हैं फरीदाबाद। ये आ गए हैं भाई हम अपनी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए। तो ये एसबीआई का एटीएम था, ये हमने निकलवा लिया है कैश पूरा का पूरा, 25,000 रुपये हमने कैश निकलवा लिए भाई। और अब चलते हैं जरा चूहे के पास, चूहे को पिक करता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ, उसको फ़ोन कर दूंगा कि भाई नीचे ही आ जा। जब तक आप थोड़ा सा टाइम लैप्स एंजॉय करो। देखो कितना बिजी है, वीडियो एडिट कर रहा है। कर दूं क्या, कौन सी कर रहा है? भाई होंडा और वरना की आएगी ड्रैग रेसिस के चैनल पे देख लेना। 1.6 वरना और होंडा सिटी 5th जनरेशन पेट्रोल, वो नहीं बताऊंगा कौन सी जीती, वो आप चैनल पे देखना। अभी बेचारा देखो लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं लाया, फोन में ही एडिट कर रहा है। तो मैंने बोल दिया था कि तू आ जाओ जल्दी से। तो अभी चल रहे हैं, भाभी और आ जाती है, उनका वेट कर रहे हैं। फिर हम सीधा आपको फरीदाबाद का टाइम लैप्स एंजॉय कराते हैं। Endless, sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean. तो भाई यूनाइटेड में आ गए हैं हम, और ये लोगो देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये वाला लोगो। अपनी पे तो शायद नहीं होगा ना चूहे, ये वाला लोगो। भाई हम पहुंच चुके हैं महिंद्रा के शोरूम में और अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन मिलता है, बातचीत करते हैं उनसे गाड़ी के लिए। आई टेन फर्स्ट चॉइस। ये बताओ मेरे को लाल कलर और वो भूंदा नीला किसके लिए निकाला है? वो मोनू भैया जी शायद ही निकाला है, मोनू भैया ले रहा है। मोनू भैया यूट्यूब पे देखा ना, लाल रंग के एक सूट ले रहा है। हां मोनू भैया लाल रंग की ले रहे हैं। चाबी दिखाना भाभी, इसकी ऐसी है फिजिकल की है इसमें। तो यज्ञ भाई 700 ले रहे हो क्या? नहीं भाई अभी थार में भी बैठेंगे, थार में। ये बता चीते कंफर्टेबल नहीं लग रही, उससे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रही। किससे? उससे एक्सयूवी से। हां पागल है क्या? मैं मजा नहीं आया उस गाड़ी में। और हॉस्पिटैलिटी कैसी है? कैसे इस वाले शोरूम की अच्छी नहीं रही नहीं है वैसे हॉस्पिटैलिटी बढ़िया है महिंद्रा वालों की, जैसे आशीष की। जिन पे हम पहले ट्रायल के लिए गए थे वेस्ट ड्राइव के लिए, वो बहुत अच्छा था। और आशीष वाला भी बहुत ही, गुड़गांव साइड वाले बढ़िया हैं सारे। यहाँ का प्राइम भी वो है, प्राइम की तो बात ही छोड़ दो। डॉक्टर ड्राइव भाई की, डॉक्टर ड्राइव भाई की कंट्रोवर्सी चल रही है अभी। वो मेरे डीएल लेके गए हैं हमें, एक बार 700 की टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं डीजल में। डीजल में क्योंकि थार तो मैंने बहुत चला रखी है, मेरे दोस्त के पास भी है,
थार तो डीजल वाली बहुत चला रखी है, डीजल और ये पेट्रोल वाली एक्सयूवी 700 खूब चला रखी है, आशीष वाली, तो अब एक बार पता चल जाएगा के 700 डीजल में क्या दम है, तो वो देख लेते हैं एक बार। पिकअप है ना, हाँ वो पता नहीं पेट्रोल में अच्छा है इसकी, अच्छा पेट्रोल में अच्छा है, आशीष वाली में ज्यादा अच्छा पिकअप है। अच्छा, और इसमें, इसमें पिकअप तो है लेकिन आशीष जैसी वाली बात नहीं आ रही है, मतलब पेट्रोल में ज्यादा है, पेट्रोल में पिकअप ज्यादा है, हालांकि देख उठ बढ़िया रही है, ये देख जाती बढ़िया है, मजा दिया है फिर है, कब मजा आया, पेट्रोल वाली में थोड़ा ज्यादा मजा है। आपका क्या कहना है, आप लोग आपका क्या कहना है कि पेट्रोल में ज्यादा वो है या डीजल में? पेट्रोल में ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है ना, पिकअप कम नहीं है इसका, बस ये है कि वो पेट्रोल वाली में ज्यादा है तो इसका इसलिए थोड़ा वैसा लग रहा है। तू लेके देख यार, मैं आता हूँ पीछे, तू लेके देख गाड़ी, तो आप ये देखा, तो ये भाई भी तो चला के देखेगा एक बार ही, वेट है भाई बस। अरे फिर तो हम बीच में ही दे देते, बता देते तो आप, मुझे क्या पता था भाई ऐसा करना, दूसरे कस्टमर वेट, इंटरेस्टेड नहीं हो आप गाड़ी बेचने में, है ना, लग रहा है मैं, है ना, लग रहा है मैं, लग रहा है मैं, चलो आपको परेशान नहीं करेंगे हम। गाड़ी लगा देते हैं आपकी, ये छोड़ दो, लगा लेंगे ड्राइवर लगा, बहुत बढ़िया। हम यहाँ से गए यूं, एक तो बंदा पूरे रास्ते कुछ बोला नहीं जो हमको लेके गया था साथ में, जो हमारे साथ था कुछ नहीं बोला भाई उससे, आपकी क्या ओपिनियन है, हाँ जी वो भाई बंदा होता है बताता है, ये पूछा कि माइलेज क्या देती है गाड़ी, मुझे जवाब पूरा दे रहा है वो बंदा, कुछ बोलेगा जब ना, जब कुछ पता होगा इनको। हाँ तो भाई उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पे लाके खड़ी कर दी, मैंने कहा अब तू चला के देख, कहता एक ही राउंड होगा, मैंने कहा भाई हमें पता कैसे चलेगा, मेरा बड़ा भाई है यही तो बताएगा गाड़ी में क्या कुछ है, भाई उसने साफ नाट दी। उसके बाद मैंने उनसे ये बोला, कैमरा इसके चैनल पे देख लेना आप, मैंने उससे बोला लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो गाड़ी बेचने में, तो क्या बोला, बोला नहीं है भाई, नहीं है, नहीं हम इंटरेस्टेड, गर्दन लार की वीडियो में आ रखा है, ये यके को दे दूंगा मैं, क्लिप लगा देगा, हाँ ये दोनों के चैनल पे, ये है यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स भाई, ये फरीदाबाद में पड़ता है, हम इतनी दूर से आए गुड़गांव से फरीदाबाद के, भाई फरीदाबाद से गाड़ी लेंगे और बुक कराने आए भाई, तो कैश दिखा दे, बुक कराने आए थे भाई हम गाड़ी, कैश लेके आए भाई, ये देख लो, क्योंकि हमें बुक करानी थी, लेकिन ये व्यवहार बहुत गंदा लगा, तो और अगर बुक कराने भी नहीं आए ना, गाड़ी देखने भी आए हैं, तो इनका फर्ज बनता है कि दो बंदे हैं तो क्या पता मेरा भी मन कर जाए बाद में यार गाड़ी खरीदने का, मेरे को भी दो, पर भाई ने वही है ना अकड़ ज़्यादा आ रखी है फरीदाबाद में, एक तो प्राइम भी है ये देख ही रहे हो आप, दो ही तो है, दोनों ही बदनाम है मादर चौथ साले, कोई बात नहीं भाई, हमें रोड़ा करने का शौक नहीं है, वरना हम जाके बोल भी सकते हैं इनको, लेकिन हम अपना चलते हैं गुड़गांव, कोई बात नहीं, यहाँ से अगर कोई देख रहे हैं ना फरीदाबाद वगैरह से, तो भाई देख लो आप इनका हाल, वो प्राइम वाला आपको पता ही है कि वो डॉक्टर ड्राइव वगैरह के साथ क्या हो रहा है, तो ध्रुव भाई के साथ इसका भी यही हाल है भाई, तो देख लिया हमने तो ना, मतलब फरीदाबाद देखो, सिर्फ मैं बता देता हूँ आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि तुम गुड़गांव से फरीदाबाद क्यों आए, फरीदाबाद में ना इस वाले यूनाइटेड में हमारी एक मतलब जानकारी निकल जाती, वो हमने इसे बताई नहीं थी कि हम तेरे से डिस्काउंट लेंगे अपनी गाड़ी पे, वो हमने इसे कुछ नहीं बताया था, जल्दी लेने के लिए जुगाड़ नहीं था वो, सिर्फ डिस्काउंट के, वो सिर्फ डिस्काउंट का जुगाड़ था जो हम बताने वाले थे इसको, लेकिन ये अपनी ऐसी तैसी करा गया बताने से पहले, ठीक है, उस बंदे का नाम वाम मैं कोई डिस्क्लोज नहीं करूंगा भाई, किसी की बदनामी मेरे को करनी पसंद नहीं है, लेकिन वो बहुत ही बेकार बंदा था, और ये यूनाइटेड ऑटोमोबाइल है ना, मैं तो प्राइम भाई है फरीदाबाद में कितने, दो तो सारे हैं ये प्राइम और यूनाइटेड, प्राइम इसलिए नहीं रहा था यूनाइटेड से, मैंने कहा चल भाई यूनाइटेड में जानकारी निकल जाएगी, मैं यूनाइटेड चलते हैं, अब भाई हमें वो 10,000 रुपये सस्ती भी नहीं चाहिए गाड़ी, हम 10,000 रुपये महंगी ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं यार, ऐसे बढ़िया नहीं लगती यार ये चीज़, तो अभी जा रहे हैं दोबारा गुड़गांव, देखो कितना 30 किलोमीटर पड़ जाता है फरीदाबाद, अरे इतना तेल फूक के टाइम खराब कर गया है यार, शिवरात्रि का दिन था तो कुछ लोगों को अपना त्योहार तो खराब करना ही है और दूसरों का भी, चलो कोई नहीं, यो बहू तो लड़के आ रहा था दिखे यो अपनी बहू तो लड़ है, चाहे अपनी बहू के हाथ बेलन खाओ सर पे, हमने के मतलब मारे क्यों भटक बैठा होता,
यो भाई मारे भड़क बिठा गया। चलो कोई बात नहीं, अब जा रहे हैं अपने जरा दूसरे में गाड़ी, लेकिन आज बुक ही कराएंगे भाई, जब आपको वीडियो का टाइटल ही रखा है गोइंग टू बुक आवर न्यू कार। कोई बात नहीं, चलो होती रहती है ये सब चीज़ें, तो गाड़ी बुक कराएंगे, खुशी का माहौल है, गाड़ी बुक कराते हैं और फिर आपको बताते हैं। आशीष के एक्सवी की डिलीवरी, और यहाँ पे ठीक भी था यार, और क्या ना यज्ञ का कि इसकी शक्ल भी अच्छी है, तो ये भी है भाई, वो तो ऐसा हो रखा था जैसे कितने साल पुराना महिंद्रा हो। आशीष की गाड़ी ली थी इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं दोबारा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने, आपने देखी होगी आशीष की डिलीवरी हमने चैनल पर डाली थी, उसमें इन्होंने अच्छे से केक वेक कटवाया था, सब करवाया था। हमें केक वेक नहीं चाहिए भाई, हमें तो बस थोड़ा बंदा ढंग का मिल जाए बस, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं, चॉकलेट ट्रफल केक चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। नहीं ये वो देते तो है, फेरेरो रोशर देते हैं भाई, गाड़ी तेरी चॉकलेट मेरी। आशीष की गैर भी तो यही बनी थी, गाड़ी उसकी चॉकलेट हमारी, तो देखते हैं भाई कोई बंदा हमें अपॉइंट होता है फिर आपको बताते हैं। कौन सी गाड़ी करा रहे हैं, और ये उल्टा कर दिया हमने क्योंकि इसमें गाड़ी के डिटेल्स वगैरह हैं। हैप्पी भाभी, हैप्पी हाँ जी भैया, हैप्पी बिल्कुल जी, आप तो हो गए भैया। बस गाड़ी जल्दी मिल जाए, गाड़ी जल्दी मिल जाए। नहीं भाई, मैं एक तगड़ी हिंट दे रहा हूं, हां अपनी पब्लिक को, सब्सक्राइबर भाइयों को दे दूँ गाड़ी की, एक तगड़ी सेंट दे रहा हूँ भाई। यहाँ पे जितनी भी गाड़ी खड़ी है ना, जो हमें लेनी है उनमें से एक भी नहीं खड़ी, देख लो जो हमें लेनी है वो एक भी नहीं खड़ी, अब देख लो आप अपने आप। मैं भी दिखा देता हूँ, 700 खड़ी है, 300 खड़ी है, स्कॉर्पियो खड़ी है, तीन गाड़ियाँ खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी है ना, यहाँ थार खड़ी ना, यहाँ बलेरो नियो खड़ी। ये डायनासोर का गेम क्यों बना रखा है, ये नेट नहीं चलता जब आता है ना। हाँ, गूगल क्रोम पे QR कोड है रेटिंग के लिए। अच्छा ये वाला, चलो तो 5 करते हैं अभी हम। तो भाई ये रही अपनी जो बुकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, महिंद्रा की गाड़ी है, फाइनल कर दी है, वो हिंट भी आपने देख लिया है, थार या 700 में से कोई एक है तो ठीक है। ठीक है भाई, तो यही था बुकिंग, ये देख लो कंप्लीट हो चुकी है, पैसे हमने दे दिए हैं, 21,000 रुपये की बुकिंग हुई है हमारी गाड़ी की, वेटिंग बता रहे हैं ये, लेकिन देखते हैं कब तक निकलती है कब तक नहीं। ऐसी कोई मेरे को जल्दी भी नहीं है गाड़ी की, ऐसा नहीं है कि मेरे पास गाड़ी ना, मैं बेच चुका हूँ, गाड़ी है भाई अपने पास, तो उस हिसाब से ठीक है। तो आज की कुछ वीडियो ऐसी ही थी भाई, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप हमारी बुकिंग के उसमें जुड़े, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी से अब अपनी गाड़ी आ जाए ये विश करो, और यहाँ तक देखिए तो बिना लाइक करे मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।